बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ीज़ तलबा को इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदैद कहता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पे बातें करेंगे, डेफिनेशंस को एनालाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट के दूसरे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पर बात होगी जो इस चैप्टर में आ रही है। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात होगी और डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तमाम स्टूडेंट से यह कहता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखें सुने तो उस टाइम अपने साथ पेंसिल और पेज रखा करें और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उसकी हैंडआउट्स अपने लिए बना दिया करें। वीडियो लेक्चर्स शुरू करने का मकसद यही है कि एक ब्रेक आ गया है कोविड-19 की वजह से, स्टूडेंट्स के साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा कॉलेजेस में, तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मर्दान कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी चैप्टर पे बात करेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं या किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मैनेजमेंट, तो हमें एक सिंपल सी रिप्लाई मिलती है, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ये डेफिनेशन एक फेमस ऑथर मैरी पार्कर फॉलेट ने दी है। लेकिन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये डेफिनेशन रिलायबल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज लाइक इन द लेमन, इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट द मैनेजमेंट सो यू कैन प्रोवाइड दिस डेफिनेशन, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द मैनेजमेंट यू आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड दिस डेफिनेशन एज अ सॉलिड प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट। वजह क्या है वो हमने नीचे डिस्कस की है। इट इज़ नॉट रियली अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज इट फेल्स टू कंसिडर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि मैनेजर के फंक्शंस है, द फंक्शंस दैट अ मैनेजर इज सपोज टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं है। दिस डेफिनेशन हैज़ नॉट टुक इनटू अकाउंट द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करता है, वो स्टाफिंग करता है, वो लीडिंग करता है, वो कंट्रोलिंग करता है, वो एडमिनिस्ट्रिंग भी करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं की गई। सो ये एक ड्रॉबैक है इस डेफिनेशन में। दूसरा, द साइंटिफिक ऑफ एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज मिसिंग। मैनेजमेंट जिस तरह हम फ्रेडरिक टेलर की, अगर इंशाल्लाह हम बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी पेश की है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पेश किए हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पर दिस इज़ अ जेनेरिक स्टेटमेंट अबाउट द मैनेजमेंट। Scientifically, the management is not defined. The scientific aspect of the management has not been taken into account by Mary Farquhar Follett. So, यहाँ पर scientific aspect of management जो है वो missing है। तीसरा है the human aspect. So, getting things done through people, ये तो explain है, people explain है। लेकिन human से हम काम कैसे लेंगे, क्या हम उनको रूल्स देंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, हम उनको क्या अथॉरिटीज डेलीगेट करेंगे, लाइक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पीपल इंडिविजुअली काम करेंगे कि ग्रुप में काम करेंगे। सो नन ऑफ दीज पॉइंट्स हैज बीन टेकन इनटू द अकाउंट बाय मैरी फार्कर पॉलेट। सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हेयर दैट द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज मिसिंग राइट हेयर इन दिस डेफिनेशन। सो ये एक शॉर्ट कमिंग है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, उसके बारे में बात नहीं की गई इस डेफिनेशन में, एंड अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आल्सो। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर द फैक्टर्स, दिस इज द कम्बिनेशन द कलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। सो द रूल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज नॉट बीन टेकन इनटू द अकाउंट बाय मैरी पार्कर फॉलेट इन दिस डेफिनेशन। So that is the reason this is not a reliable definition and it is not really a universal definition of the management. ठीक है, अब management की definition क्या होनी चाहिए, ऐसी definition जो इन कम अज़ कम इन points को ज़ेर गौर लाए, वो इन points को explain करे, ऐसी definition जो जिसमें ये points शामिल हो तो वो management की एक बेहतर definition हो सकती है। बहुत सारे authors ने management को define किया है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास, उनमें भी मैनेजमेंट डिफाइन है। मैंने कुछ जनरल डेफिनेशंस इसकी उठाई है। पहला है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए इस डेफिनेशन में मैनेजर की फंक्शंस को फिगर आउट किया गया है, मैनेजर की फंक्शंस को बताया गया है। देखिए मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। आप देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसलिए मैं इसको बेहतर डेफिनेशन समझता हूँ क्योंकि इसने मैनेजर के फंक्शंस को उठाए हैं। एक बार फिर से देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। अब मैनेजर ये सारी एक्टिविटीज किस लिए परफॉर्म करता है, फॉर एकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमारे इदारे का जो मेन मकसद है वो एकम्प्लिश हो सके, उसके लिए मैनेजर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, मैनेजर प्लानिंग करता है, मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करता है, मैनेजर डायरेक्टिंग करता है एंड मैनेजर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आगे लिखती है ये डेफिनेशन, थ्रू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम गोल्स को अचीव करेंगे, लेकिन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, जितनी भी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइडेड है तो उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते सूरत हाल में, बदलते माहौल में, बदलते माहौल के साथ अपने आप को फिट रखते हुए, अपने आप को डायनेमिक, अपने आप को अपडेट रखते हुए रिसोर्सेज को एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइज करते हुए, जब मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसी फंक्शंस परफॉर्म करता है तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट हमारे पास है दो किस्म का एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, वो एनवायरनमेंट जो कि हमारे इदारे के, जो कि हमारे इदारे को या उसके स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, जिनके मफाद हमारे इदारे के साथ अटैच्ड हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिंपली हम यू कहेंगे। सो ऑल दोज फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन and its stakeholders are collectively called the internal environment. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहला है employees itself. employees जो हमारे इदारे के employees है, ये directly affect करते हैं हमारे इदारे और इसके stakeholders को। दूसरा है customers. अच्छा, employees कैसे affect करते हैं, देखिए अगर employees ज़्यादा काम करेंगे
और मोटिवेटेड होंगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे तो इदारे को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, डायरेक्टली इदारे को अफेक्ट किया गया पॉजिटिवली। अब इदारे के स्टेक होल्डर्स क्या कौन है? तो सबसे बड़े जो इदारे के स्टेक होल्डर्स हैं वो इदारे के ऑनर्स हैं, तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो भी पॉजिटिवली अफेक्ट हुए। तो एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा है कस्टमर, अगर कस्टमर्स होंगे और वो सेटिस्फाइड होंगे तो हमारी सेल्स ज़्यादा होगी और इदारा अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। अगर कस्टमर्स नहीं होंगी या बटरफ्लाई कस्टमर्स होंगी या डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगी तो फिर हमारा इदारा नेगेटिवली अफेक्ट होगा। सो कस्टमर इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली। द थर्ड वन इज सप्लायर्स, जो हमें सप्लाई करते हैं, जिससे हम रॉ मटेरियल या दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, स्टॉक इन ट्रेड या जो भी है वो खरीदते हैं हम, तो वो सप्लायर्स हैं हमारे, तो ये भी इदारे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कंपेटिटर्स, हमारे जो राइवल्स है मार्केट में, हमारे कंपेटिटर्स, वो भी हमारे इदारे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और इनके अलावा वो तमाम अवामिल जो कि हमारे इदारे और उसके स्टेक होल्डर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, दीज विल बी इंक्लूडेड इन इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, अब आते हैं एनवायरनमेंट की दूसरी फैसेट की जानिब, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो तमाम अवामिल, ऑल दोज फैक्टर्स दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, वो तमाम अवामिल जो कि बिलवास्ता हमारे इदारे और उसके स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, पेस्टियल। पेस्टियल इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एब्रीवेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, लाइक पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स। किसी मुल्क में हमारा इदारा काम कर रहा है तो उसकी पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है इदारे को और उसके स्टेक होल्डर्स को। दूसरा है ई, सो ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, माशी। आगे है एस, एस स्टैंड फॉर सोशल, माशरती। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल एंड एल स्टैंड्स फॉर लीगल। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। सो इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा एनवायरनमेंट। सो मैनेजर का काम क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ताकि इदारे के मकासद को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके चेंजिंग एनवायरनमेंट में, बदलते माहौल में। इन तमाम फैक्टर्स में से किसी एक में भी अगर तब्दीली वाक़ हो रही है तो इसको हम चेंजिंग एनवायरनमेंट कहेंगे। अच्छा, आगे एक और डेफिनेशन मैनेजमेंट की गिवन है, कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस। आप इन जो मैंने बोल्ड रखे हैं और कैपिटल फॉर्म में हैं, इन वर्ड्स को ज़रा जहन में रखें, इस पर बात होगी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए, मैनेजमेंट की हम जब भी बात करेंगे तो इफेक्टिव और एफिशिएंट का वर्ड ज़रूर आएगा। ठीक है जी, दीज टू वर्ड्स, द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, दीज वर्ड्स आर टू फैसेट्स ऑफ द सेम कॉइन। इस पर हम बात करेंगे अभी, पहले इस डेफिनेशन की कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं। सो लिखते हैं इट इज़ द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेप्स का या फंक्शंस का मजमूआ होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। ये प्रोसेस वर्ड जो है ये रेफर करती है द बेसिक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब है अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए जनाब, यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ें काम मुकम्मल करते हैं ताकि अपने मतलूबा मकासद को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके। इस डेफिनेशन में मैंने तीन चीज़ें जो है वो बोल्ड रखी हैं। पहला वर्ड है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली और तीसरा है एफिशिएंटली।
सो आइए इन तीनों को जरा देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन वर्ड्स के पीछे। पहला है प्रोसेस। सो द प्रोसेस रेफर्स टू द बेसिक फंक्शन परफॉर्म टू अचीव द गोल्स। प्रोसेस का मतलब क्या है? वो बुनियादी फंक्शंस जो कि मकासद की हुसूल के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ये कौन कौन से फंक्शंस हैं? ये प्लानिंग फंक्शंस हो सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस हो सकते हैं, ये डायरेक्टिंग फंक्शंस हो सकते हैं, ये कंट्रोलिंग फंक्शंस हो सकते हैं वगैरह। अब मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे बार बार अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। दूसरा वर्ड जो मैंने बोल्ड रखा था, दैट इज इफेक्टिवनेस। सो इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये देखती है कि क्या मतलूबा काम जो एक मैनेजर या एक एम्प्लॉय को उसके सुपुर्द किया गया था, क्या वो उसको कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कंप्लीट हो गया है वो काम, सो दैट एम्प्लॉय इज इफेक्टिव एम्प्लॉय। अगर नहीं किया गया तो दैट इज नॉट एन इफेक्टिव एम्प्लॉय। आगे लिखते हैं, इट रेफर्स टू एकम्प्लिशिंग टास्क दैट हेल्प फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक इफेक्टिवनेस जो है ये क्या करती है? ये उन टास्क की फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ज़रूरी है। सिंपली वी कैन से इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स। हर काम को अपनी जगह पर सही करने को कहते हैं इफेक्टिवनेस। आगे है थर्ड वन, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एफिशिएंसी को हम किस चीज को रेफर करेंगे? दिस इज द रेशियो बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इट इज गेटिंग द वर्क डन विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप एफिशिएंट, अब इफेक्टिव तब बनते हैं जब आप मतलूबा काम, टास्क, गोल वो कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन आप एफिशिएंट तब बनते हैं जब आप उस काम को कम से कम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के जरिए कंप्लीट करते हैं। सिंपली इट इज डूइंग थिंग्स राइट। देखिए इफेक्टिवनेस कहते हैं डूइंग द राइट थिंग्स को, और एफिशिएंसी कहते हैं डूइंग थिंग्स राइट। ओके, एफिशिएंसी के बारे में एक और भी सेंटेंस दी गई है सबसे नीचे, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट्स बाई यूजिंग लेस इनपुट्स। कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम इनपुट के जरिए जब हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इस फेनोमेना को कहते हैं एफिशिएंसी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके इदारे में एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एली को ये काम दिया गया है कि वो मशीनरी पर प्रोडक्शन करेगा, 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट 150 रुपीज़ होगी। आप ज़रा गौर करें, एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा और पर यूनिट कॉस्ट वो 150 रखेगा, ठीक है जी। तो अगर उसने ये काम कर दिया, एक दिन में उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो मिस्टर एली एक इफेक्टिव एम्प्लॉय है। अगर उसने 150 पर यूनिट या क्वालिटी को सेम रखते हुए 150 से कम पर यूनिट कॉस्ट रखा तो वो एफिशिएंट भी हो गया। लेकिन अगर उसने एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए और मशीन की खराबी की वजह से या दूसरे वजूहात के बिना पर यूनिट कास्ट पहुंच गई 170 तक, तो मिस्टर अली इफेक्टिव तो कंसिडर होगा लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा। इफेक्टिव इसलिए कंसिडर होगा कि उसने मतलूबा टास्क कंप्लीट कर दिया, यानी एक दिन में उसने वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। एफिशिएंट इसलिए वो नहीं कंसिडर होगा क्योंकि उसने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा। दूसरी जानब अगर वो कॉस्ट को कम रखे, से 130 पर रुपीज़ पर यूनिट वो कॉस्ट इनकर करे उस पर, लेकिन वो एक दिन की बजाय दो दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो वो एफिशिएंट तो होगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज उसने मतलूबा टास्क मतलूबा वक्त में कंप्लीट नहीं किया। सो एक एम्प्लॉय के लिए, एक मैनेजर के लिए
न सिर्फ इफेक्टिव होना काफ़ी है और न सिर्फ एफिशिएंट होना काफ़ी है, बल्कि इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट दोनों होनी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न वी से दैट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू फैसेट्स ऑफ द सेम कॉइन, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है जी, आगे मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन हम गिवन है, दैट इज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी और गोल्स के एकम्प्लिशमेंट के लिए दूसरों के काम को कोऑर्डिनेट करती है और ओवरसी करती है। अब मैनेजमेंट की बात तो हो गई, मैनेजमेंट अब हमें आइडिया हो गया कि मैनेजमेंट से क्या मुराद है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या हो करती है बेसिकली। अब सवाल ये उठता है कि मैनेजर क्या है, मैनेजर कौन है, ये क्या करता है। ठीक है जी, सो मैनेजर इज वन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी एकम्प्लिश्ड। मैनेजर वो बंदा है जो मैनेजमेंट की फंक्शंस परफॉर्म करता है, सिंपली मैं यूँ कहूँगा। यहाँ पर लिखा है कि मैनेजर वो बंदा है जो दूसरों के काम को कोऑर्डिनेट करता है, उसको ओवरसी करता है, ताकि ये इस बात की यकीन दहानी करे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की एकम्प्लिशमेंट हो रही है। किसी भी इदारे में मैनेजर जो है वो तीन लेवल्स पे काम करते हैं। अब देखें जो फिगर यहाँ पर प्रोवाइडेड है उसमें है, पहला आता है टॉप मैनेजर। सो टॉप मैनेजर कौन है, दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स, दीज आर द कोच, दीज आर द चेंज मैनेजर्स, दीज आर द लीडर्स। ठीक है जी, ये बंदे हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, जो किसी इदारे की एम्प्लॉइज को और अपने मिडिल मैनेजर्स को, लोअर मैनेजर्स को या दूसरे एम्प्लॉइज को उनके काम को एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं। ठीक है जी, लीडरशिप रोल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स पे, दूसरे लेवल पे जो मैनेजर्स काम करते हैं, दैट इज़ मिडिल लेवल। इस लेवल पे मैनेजमेंट के मैनेजर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ टीम बिल्डिंग, दैट इज़ टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट्सेट्रा। एंड द लोअर लेवल जो मैनेजर है उसका काम होता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। आते हैं 5 M's ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हम पहले 4 M हुआ करते थे, अब 5वां भी इसमें ऐड हो चुका है। सो कोई 4 एक्सप्लेन करता है, कोई 5 एक्सप्लेन करता है, मैं यहाँ पर 5 M's की बात करूँगा। 5 M's, 5 important M's ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम इन 5 चीज़ों को, इन 5 factors या 5 M's को हम जहन में रखेंगे। इसमें सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टॉप पे जो है, दैट इज मैन। मैन इसमें लाइक इट डजेंट मीन दैट ओनली मैन वुड बी टेकन इनटू द अकाउंट बाय द मैनेजर, वुमेन आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस लाइक टर्म। मैन से मुराद हमारे इदारे की वर्क फोर्स है, इसकी एम्प्लॉइज है, पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मैन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज मैन, बिकॉज जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी इंडिविजुअल या जितने भी पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, वो डिफरेंट कल्चर्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, वो डिफरेंट लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनका मेंटल लेवल अलग होता है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होते हैं। ठीक है जी, उनके स्किल्स एक दूसरे से अलग होते हैं।
इसलिए मैन को मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट मकाम हासिल है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर हम इदारे में एम्प्लॉय को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी मैनेजमेंट बेकार जाएगी। ठीक है जी। अब मैन को जब हम मैनेज करेंगे या वर्कफोर्स को हम मैनेज करेंगे, या यूं कहें कि पीपल को, पर्सनल को हम जब मैनेज करेंगे इदारे में, तो दो शक्लों में इनको मैनेज करते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है ग्रुप। अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसके अपने स्किल्स, टेस्ट, उसकी लैंग्वेज या दूसरे बैकग्राउंड्स वो दूसरों से नहीं मिलती, तो उसको हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे उस एम्प्लॉई को, और उसे काम लेंगे इदारे के गोल्स के एकम्प्लिशमेंट के लिए। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके ये सारे ट्रेड्स आपस में मिलती हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में डालकर एक जैसे उनको ट्रीट करेंगे, और उनसे इदारे के गोल्स के एकम्प्लिशमेंट के लिए काम लेंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखें आप तो मेथड्स हैं। मेथड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये फ्रेडरिक टेलर ने भी मेथड्स पे बहुत जोर दिया है कि रूल ऑफ थंब होगा इसके लिए। मेथड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने इदारे को, अपने इदारे के प्रोसीजर्स को कैसे चलाएं, कैसे उसको चलाएं, तो उसके लिए मेथड्स का होना ज़रूरी है। हम बहुत सारे मेथड्स को कंसिडर करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट होगा वो अपने इदारे के ऑपरेशंस के लिए अडॉप्ट करेंगे। आगे है राइट हैंड साइड पे मटेरियल। मटेरियल अगर नहीं होगा या इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, तो इदारा अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एज वेल। आगे है मशीनरी। मशीनरी से मुराद वो प्लांट है, वो इक्विपमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसके ज़रिए हम फिनिश गुड्स सेल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मनी। मनी मीन्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल ऑफ अस नो दैट फाइनेंस इज नोन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह इंसानी वजूद में, जिसम में खून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसी ही इदारे में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो इदारा कोलेप्स कर जाएगा। सो दीज आर द 5 M's दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू बी टेकन इन टू द अकाउंट बाई अ मैनेजर एंड अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है जी। आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी खसूसियात, मैनेजमेंट की खसूसियात। सबसे पहला है मैनेजमेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक डायनामिक चीज़ है, एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। इस बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन इस पर भी है कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है। मैं इस बात का कायल हूँ कि ये साइंस और आर्ट दोनों बैकवर्क हैं। तो ये एक डायनामिक चीज़ है, मल्टी परस्पेक्टिव है इसके। लेकिन मैंने यहाँ पर 6 इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उठाई हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला है गोल ओरिएंटेड। देर विल बी अ गोल ऑफ द मैनेजमेंट। इफ देर इज नो गोल, देर इज नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सबसे पहली खसूसियत ये है कि इसके लिए एक पहले से मुख्तस गोल होगा, एक मतलूबा मकसद होगा, जिसको अचीव करने के लिए सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगी। सो अ गोल, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट इज गोल। मैनेजमेंट मस्ट हैव अ गोल। मैनेजमेंट विल बी गोल ओरिएंटेड। ओके, इफ देर इज नो गोल, देर इज नो मैनेजमेंट। द सेकेंड वन इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट की दूसरी ये खसूसियत है कि दिस इज एन इनटेंजिबल फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक वी कैन नॉट टच द मैनेजमेंट फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट वी कैन फील इट। हाउ? बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाय द सेल्स स्टेटिस्टिक्स, या जो कस्टमर्स है उसकी सेटिस्फेक्शन के रेशो को देखकर, या कस्टमर के रिटेंशन रेशो को देखकर, या मैनेजमेंट की मोटिवेशन, सॉरी एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन लेवल को देखकर, हम ये कह सकते हैं, हम ये फील करते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ साउंड मैनेजमेंट। अगर मैनेज किसी इदारे की
प्रॉफिट्स कम हो, उसकी सेल्स कम हो, उसके कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, उसके एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हो, तो हम ये बात फील करेंगे कि मैनेजमेंट इस इदारे का स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ वीक मैनेजमेंट. सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम इसको फील करते हैं, ठीक है जी. तीसरा है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट. जो है ये किसी मल्टी का मतलब है लाइक कॉम्प्लेक्स या बहुत सारी या एक्सरसाइज, ठीक है. सो मैनेजमेंट एक डायमेंशन में काम नहीं करती. मैनेजमेंट इदारे के हर डायमेंशन पे, मैनेजमेंट इदारे के हर लेवल पर, मैनेजमेंट इदारे के हर ऑपरेशन में कार आमद होती है. सो मैनेजमेंट की ये थर्ड खसूसियत है कि इसकी कोई एक डायमेंशन नहीं है. एवरीवेयर इन एवरी प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट ईच एंड एवरी मैनेजरियल लेवल दिस इज इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो मैनेजमेंट हैज़ अ मल्टी डायमेंशनल फेस. अच्छा, फोर्थ वन इज ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट का बेसिक जो काम है दैट इज ट्राई टू मेक ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इंडिविजुअल सतह पर भी काम लिया जाता है एम्प्लॉयज से, लेकिन ग्रुप्स की शक्ल में एम्प्लॉयज को ग्रुप में डालकर उनसे हम ज़्यादा तवक्को रखते हैं प्रोडक्टिविटी की. यहाँ पर जब हम ग्रुप में अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर टास्क असाइन करते हैं, तो वहाँ पर साइनर्जी क्रिएट होती है. अब साइनर्जी क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में आएगा ये टर्म. लेकिन अभी मैं बताता चलूँ कि साइनर्जी मीन्स सिचुएशन अ फिनोमेना व्हेन द कलेक्टिव आउटकम इज ऑफ द एम्प्लॉयज इज मोर देन देयर द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आउटकम. साइनर्जी इज अ फिनोमेना व्हेन द कलेक्टिव आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयज इज मोर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आउटकम. जब इनफरादी कुव्वतों को यकजा करके उनसे जो आउटकम डिराइव होता है उससे इज्तिमाई आउटकम ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं यहाँ पर साइनर्जी है. आप जिस भी टीचर से पूछते हैं तो मैक्सिमम यही आपको कहते हैं कि साइनर्जी मीन्स 2 + 2 = 5. तो इट मीन्स दैट द कलेक्टिव इफर्ट्स आर प्रोड्यूसिंग मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफर्ट्स. सो ग्रुप एक्टिविटी है इन ऑर्डर टू मेक साइनर्जी एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. अच्छा, आगे है ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब यहाँ पर है एट एवरी लेवल, एट एवरी स्टेज, इन एवरी ऑपरेशन इट एक्सपेंड्स इटसेल्फ. द मैनेजरियल एक्टिविटीज एक्सपेंड्स टू ईच एंड एवरी, एक्सटेंड्स टू ईच एंड एवरी लेवल. ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब है जो चेंज, बदलती इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होती हो, जो अपडेटेड हो, ठीक है. सो फ्रीक्वेंटली हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उसमें चेंजेस आती रहती है. तो मैनेजमेंट भी अपने आप में उसी तरह अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंजेस लाती है. सो दिस इज़ एन अपडेटेड थिंग. ये इसके कुछ खसूसियात हैं. आगे बात हो रही है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, कुछ लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स. वही जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वही बात यहाँ पर की गई है. वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द फार्मूलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज. देखिए, मैनेजमेंट का क्या काम क्या है, काम को मुकम्मल करना और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, मकासद का तायुन करती है, और मैनेजमेंट उन मकासद की हुसूल के लिए काम करती है. दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज एग्जेक्टिव इन नेचर व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. देखिए, मैनेजमेंट जो है ये एग्जेक्टिव इन नेचर है,
ये एग्जीक्यूशन करती हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस मैनेजमेंट का काम है, और डिसीजन मेकिंग अबाउट द सेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट डिसाइड्स हु एंड हाउ, यानी मैनेजमेंट ये तयन करती है, तय करती है कि कौन काम करेगा और कैसे करेगा। व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स द व्हाट एंड व्हेन, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बताती है कि क्या करना है और कब करना है। ठीक है, आगे पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मुलेट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज व्हाइल मैनेजमेंट गोज इन अकॉर्डेंस टू दीज पॉलिसीज एंड प्लान्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे लिए प्लान सेट करती है, मंसूबे बनाती है और पॉलिसीज बनाती है, जबकि मैनेजमेंट उन प्लान्स और उन पॉलिसीज को मद्देनज़र रखते हुए मकासद के हुसूल के लिए या मकासद की तकमील के लिए काम करती है। लास्ट पॉइंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिक्वायर्ड टू पोजेस कंसेप्चुअल स्किल्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना लाजमी है, वजह यह है कि इसका काम डिसीजन मेकिंग के साथ है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम पॉलिसी एंड रूल्स एंड प्लान्स मेकिंग के साथ है। व्हाइल मैनेजमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल, जबकि मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिस इज़ एग्जीक्यूटिव इन नेचर, ये एग्जीक्यूशन करती है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन करती है, तो इसके लिए टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग करती है तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड है। दैट वॉज ऑल टुडेज टॉपिक। If you guys have any question, if you guys have any problem, if you guys have any doubt, you can freely ask. I will appreciate your confidence in asking the questions. You can ask in the comment section below and directly from me through my contact number, WhatsApp number, whatever the case may be. So, thank you so much for watching to this video. See you in next lecture.